जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बहार है और एक बार फिर से 1,10,000 नौकरियों की आने वाली ये त्यौहार है। अब आपको बता दें कि लगभग 1,10,000 की बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी TRE 2 के माध्यम से होगा, यानी कि यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट फेज 2 होने वाला है। इसमें कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक की वैकेंसी को रखा गया है। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इससे पहले जो बहाली की प्रक्रिया हुई है, 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया, अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचा है बिहार ने, जहां पर 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए कल वो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे 2 नवंबर को। इसको लेकर भी एक सूचना है हमारे पास, उसके बारे में अपडेट करेंगे वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। और लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि देखिए बीपीएससी फेज 2 आने वाला है, तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, और वो क्वालिफिकेशन की जरूरत अगर आपको यहाँ पे, अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो उसकी मांग करने में आप सहयोग करें। क्योंकि देखिए जो छात्र यहाँ पर क्लास 6 to 8 का एग्जाम देगा, उनके लिए तो यहाँ पे पता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ जो है आपका यहाँ पर एक सीटेट पेपर 2 होना चाहिए क्लियर, या तो बीटेट पेपर क्लियर 2 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीटेट पेपर 2 में पिछली बार बहुत कम छात्र थे जो यहाँ पे एलिजिबल थे, इन्होंने आवेदन किया था और वो पास हो पाए, बहुत कम छात्र का यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। लगभग 1,00,000 छात्र यहाँ पे पास हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन बिहार में देखिएगा तो मात्र 4 या 5 हज़ार ही लोग जो है सीटेट पेपर 2 को क्लियर कर पाए हैं। अब आपको बता दें यहाँ पर कि अगर सरकार यहाँ पे बोली है कि जिसने दर्द दिया है वो दवा भी देगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिकी में अब जो है बीएड उधारी जो है नहीं शामिल होंगे, तो 1 to 5 से तो इनका पत्ता कट ही गया है सर, और इनका रिजल्ट भी आप लोगों ने नहीं दिया है। डीएलएड वालों छात्रों का वहाँ पर रिजल्ट देकर उनकी ज्वाइनिंग नियुक्ति करवा रहे हैं, चलिए उससे कोई तकलीफ नहीं है किसी को, लेकिन इनका तो दर्द समझिए, जो बीएड डिग्री वाले हैं उनके दर्द की तो दवा करवाइए। अगर आप लोगों ने बीटेट करवा लिया तो इनको अपियरिंग में मौका दीजिए बीटेट वालों का, जो लोग पेपर 2 देकर जो है बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पे शामिल होंगे। अगर बीटेट पेपर 2 उनका क्लियर हो गया या पेपर 2 जिनका क्लियर रहेगा वही आवेदन कर सकते हैं यहां पे 6 to 8 में। 6 to 8 में कितनी बहाली है, तो 32,000 की बहाली है। अब 32,000 की बहाली में देखिए ये 5,000 ही लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे अगर बिहार से हैं तो, और अगर अन्य राज्य के भी छात्र आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो छात्र आ सकेंगे यहां पर। तो डोमिसाइल रूल, जैसा कि आप लोग अभी एक न्यूज अपडेट दिए थे यहां पर, डोमिसाइल रूल लगा के ही 88% बिहारियों का हम लोग सिलेक्शन लिए हैं, 12% जो है बाहरियों का लिए हैं, तो यही चीज इस बहाली में भी हो जाएगा जो कि गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए, आप लोग बाहर के छात्र हैं बिल्कुल आइए, स्वागत है आप लोग का बिहार में, लेकिन आप जो है डोमिसाइल रूल के तहत आइए, क्योंकि आपके राज्य में भी जो बहाली की प्रक्रिया होती है वहां पर जो डोमिसाइल रूल लगता है। तो सरकार से, आयोग से हम तो मांग यहाँ पे सबसे पहले यही करेंगे, क्योंकि अगर दर्द का दवा आप देना चाहते हैं तो बिहार में बिहार TET पेपर 2 करवाइए यहाँ पर, और सीटेट पेपर 2 में अगर छात्र ज्यादा नहीं पास है, नहीं मिल पाएंगे संख्या में, तो यहाँ पर भी सीटेट पेपर 2 अपियरिंग वाले छात्रों को मौका दिया जाए, जो कि दिसंबर में होने वाला है अगर सीटेट दिसंबर हुआ तो। ठीक है, और ये जो 2 चीजें हम लोग मांग कर रहे हैं वो इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का यहाँ पे फैसला आ गया है, और यहाँ पे बीएड छात्र जो हैं वो खासा यहाँ पर दुखी हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पे मौका 1 to 5 में नहीं मिल पाया है, तो 6 to 8 में उनको मौका दिया जाए सर, बिहार TET करवाया जाए और सीटेट पेपर 2 अगर छात्र ज्यादा नहीं पास है तो सीटेट दिसंबर को अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए। तो ये मांग है इस वीडियो के माध्यम से। आइए खबरों पे चलते हैं लेकर, यहाँ जैसा कि ये न्यूज अपडेट होकर आया दोस्तों आपके लिए, जैसे देखिए बिहार में बीएड डिग्री नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त के अवसर दिए जाने के संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर परिणाम चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यहां पर कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये तो मौका जो बीएड अभ्यर्थी है उनसे तो हाथ से चला ही गया है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार यहां पर देखिए बड़ी वैकेंसी लेकर आ रही है, लगभग 1,10,000 की बहाली है, तो इसमें आखिर सीटें खाली रह जाएंगी, इससे अच्छा है कि इन सीटों को अगर सरकार सच में भरना चाहती है तो यहां पर जो है आपको बता दें कि बीटीटी करवाए या फिर सीटेट अपियरिंग को मौका दिलवाए जो दिसंबर में होने वाला है, और यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों को भरने का प्रयास करें। बिहार सरकार के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया गया था, बीएड डिग्री को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के अवसर मिलना चाहिए। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी, और बीपीएससी ने सिर्फ यहां पर डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया और यहां पर उनको लेने का फैसला किया। इससे पहले इस मामले को जस्टिस यहां पर बोपना और जस्टिस यहां पर सुंदरेश के बेंच में सुनवाई हुई थी, और आपको बता दें कि यह भी फैसला बिल्कुल सेम था। तो अभी देखिए यहां पर सीधी सीधी बात है कि देखिए 1,70,000 की बहाली से वो बीएड अभ्यर्थी सीधे सीधे बाहर हो चुके हैं, तो इनको मौका दूसरी बहाली में मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनके लिए मांग नहीं कर रहा हूँ, बिहार के छात्रों के लिए मांग कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार के छात्रों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो, इसलिए यहाँ पे मांग कर रहा हूँ कि बिहार TET यहाँ पे करवाया जाए। और ये मांग इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इस हाईकोर्ट पटना का आदेश है कि आपको हर साल एक बार बिहार TET करवाना चाहिए, लेकिन अभी 5 साल 6 साल से कोई बिहार TET नहीं हुआ है, तो इसलिए बिहार TET जरूर करवाना चाहिए यहाँ पर आयोग को। अगर नहीं करवाते हैं तो सीटेट दिसंबर को अलाउ कर दीजिए,
क्योंकि सीटेट जो दिसंबर अपियरिंग वाले छात्र हैं उनको अलाउ किया जाए यहाँ पे। ये दो चीजों में से कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिहार के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सके, क्योंकि सीटेट जो आपका लास्ट हुआ है अगस्त वाला, उसमें जो है ना सीटेट के छात्रों का जो संख्या है पेपर टू को लेकर बहुत ही कम है। यहाँ पर 1,00,000 छात्र जो है पास हो पाए हैं और यहाँ पे जो है और सीटेट की संख्या यहाँ पे देखिए कम होने से ना एक चीज तो क्लियर है कि सीटें खाली रह जाएंगी, इसलिए सीटेट दिसंबर को भी यहाँ पे अपियरिंग में अलाउ किया जाए, ये मांग रहेगी सरकार से, आयोग से हमारी। अब आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तैनाती में ग्रामीण स्कूलों में वरीयता, यानी कि क्या मतलब है इसका। बीपीएससी ने अभी हाल ही में 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करवाई है। अब आपको बता दें कि उन सभी शिक्षकों को कल से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और उनका जो जिला आवंटित किया जा रहा है वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो नेता हो चाहे वो सांसद हो विधायक हो, उनसे पैरवी करवाने का ना सोचे। सीधी सी बात मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों के चक्कर में फंसेंगे तो आपका जो है जिला आवंटन वही होगा जो कि हमारा ये बीपीएससी का सॉफ्टवेयर करेगा। अब वो आपको पैसे ले लेंगे, पैसे खा जाएंगे, आपको बोलेंगे कि अभी 2-4 महीने यहीं पर काम कर लो, बाद में ट्रांसफर करवा देंगे, तो ये पैसे आपके अटके रहेंगे एक तो पहली चीज। तो मैं उन सभी शिक्षकों से बोलूंगा कि आप लोग मेहनत से गए हैं, हाँ थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि आप अपने क्षेत्र से हटके जो है ना किसी दूर दराज के गांव में जाकर नौकरी करनी है। भाई नौकरी है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप घर में तो नौकरी मिलेगी नहीं ना करने को लेकर, तो पहले वाली तो बात है नहीं, आप राज्यकर्मी सीधे बन चुके हैं, तो पूरे राज्य भर में आपको कहीं भी सेवा देनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। महिला छात्राओं को थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पर क्योंकि उनका परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनको छोड़कर जो है वो जाने में थोड़ा सा तो यहाँ पे हिचकिचाएंगी, लेकिन फिर भी उन्हीं बच्चों के लिए सोचिए आप लोग कि उन बच्चों का फ्यूचर बने, इसलिए नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी। तो दूर दराज के क्षेत्रों में आपको पहले वरीयता मिल रही है। हाँ बाई लक गुड लक किसी का, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ये और सॉफ्टवेयर जो है ना रैंडमली आप लोग का सिलेक्शन कर रहा है, आपके जिला आवंटन कर रहा है, तो किसी का लक अच्छा रहा तो उनके अपने क्षेत्र के आसपास के जिलों में ही मिल जाएगा, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन सेम जिला जो उन्होंने यहाँ पे प्रायोरिटी दी थी उस पर अभी नहीं मिलेगा। हाँ कब मिलेगा तो ये चीज़ें भी अपडेट किया गया है कि जो आप लोगों ने अपना जिला चूज किया था उसको लेकर यहाँ पर आयोग ने खुद बोला है कि उसको लेकर हम लोग उस पर विचार करेंगे और एक बार सब कुछ नियंत्रण में आ जाए, सब कुछ यहाँ पर सबको लोगों का नियुक्ति हो जाए, चूंकि 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों का नियुक्ति हो रहा है तो यहाँ पर सबको जो है अपना स्कूल मिल जाए, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे चूंकि इसमें ट्रांसफर का भी नियमली है। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बात की गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसको देखते हुए निर्णय भी लिया गया है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों को आवंटित किया जाए। कक्षा 9 से 10 के सभी पद उत्क्रमित माध्यमिक और विद्यालयों में दिए गए हैं जो गाँव में ही स्थापित है। 11वीं 12वीं के अधिकांश क्षेत्र जो विद्यालय होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च माध्यमिक में और जो उत्क्रमित स्कूल थे, है ना, उत्क्रमित यानी कि जो पहले 10 तक था अब उसको 12 तक कर दिया गया, तो ऐसे में यहाँ पर उनका भी शिक्षकों का अपडेट दिया जा रहा है। शिक्षा पदाधिकारी अनुशंसा पर यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में पद दिए जाने के फैसले भी लिए गए हैं। जाहिर है कि जहाँ अधिक छात्र हैं, है ना, वहाँ पर शिक्षक काफी कम है, तो वैसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी उनको भरने को लेकर। तो ये एक न्यूज़ अपडेट है यहाँ पर जिसका अपडेट हमने आपको दिया है दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से इतना हम लोग मांग किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिहार टीईटी करवाया जाए इस साल, या तो फिर जो है सीटेट में दिसंबर वालों को अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए ताकि जो है अनुपातिक अगर देखा जाए वैकेंसी के अनुपातिक ही यहाँ पर लोगों का चयन हो पाए, बाकी सीटें ना खाली रह जाए, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे सरकार और आयोग। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।